हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मेंसुरेशन मेंसुरेशन का, जिसमें हम लोग आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सभी के कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया, ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट मैथ का रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में, 5 मिनट 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा इसमें लगेगा। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करेंगे और फॉर्मूला का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ठीक है। उससे मोटिवेशन मिलता है, आप शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन में आज 2D है, 2D का हम लोग रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट दोनों। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है आयत। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, लेकिन बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलेगा इससे आपको, एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा और मैथ का रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो इसलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले है अपना आयत। आयत देखिए, आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। समांतर मतलब समान अंतर पर, मतलब एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर इसको आगे भी हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए AD ये भुजा है, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये BC भुजा, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं पर एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद नहीं करेगी, वो दोनों रेल के पटरी की तरह जाते रह जाएगा, तो उसी को समांतर बोलते हैं। तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है, किसमें, आयत में। आयत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल कहते हैं। और चार कोण होते हैं और चारों समकोण होते हैं। समकोण कहने से हमारा मतलब है 90 डिग्री का होता है चारों कोण, किसमें, आयत में। आयत की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। चारों कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। और दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो रेखा है वही विकर्ण है। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप समझ गए कि आयत क्या है, चार भुजाएं, चार कोण, चारों कोण 90 डिग्री, दो विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर। अब अगर इसका परिमाप कैलकुलेट करना है तो किसी भी आकृति का परिमाप कैलकुलेट करते हैं तो उसके चारों भुजा, मतलब उसमें जितनी भी भुजाएं हैं सभी को ऐड करते हैं। तो आयत में चार भुजाएं हैं तो चारों भुजा को ऐड करेंगे तो हमको परिमाप निकल जाएगा। लेकिन परिमाप यानी पैरामीटर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो परिमाप है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो इस वाले फॉर्मूला में लंबाई की जगह पे लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान आप पुट करोगे तो परिमाप निकलेगा, और इसमें लंबाई की जगह पे लंबाई का, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल निकलेगा। यूनिट में ध्यान रखिएगा, अगर मीटर में है तो परिमाप जो है वो मीटर में ही होगा क्योंकि वो लंबाई है, और क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में, मतलब वर्ग हो जाता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। मतलब भुजा की लंबाई जिस भी यूनिट में है क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई अगर हमको ज्ञात करना हो आयत में तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप याद करते जाइए, ये रिवीजन है आपका, याद करते जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझिए, मतलब हम तो सब कुछ बता दिए आयत के बारे में, फॉर्मूला भी बता दिए। अब नेक्स्ट हमारे लिस्ट में स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग। चार भुजाएं, चार कोण, चारों कोण बराबर, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर, चारों कोण समकोण 90 डिग्री, ठीक है। चारों कोण कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का, ये आयत में भी होता है। आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। आमने सामने की क्या, चारों भुजा इसमें बराबर, चारों भुजा। अगर AB की लंबाई A है तो BC की लंबाई भी A, CD की लंबाई भी A और AD की लंबाई भी A ही हो जाएगा। चारों भुजा बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। चारों भुजा बराबर होते हैं, किसमें, वर्ग में। चारों कोण बराबर होते हैं, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। दो विकर्ण होते हैं, एक हो गया ये BD, दूसरा हो गया AC। सीधा सीधा होता है, अभी सीधा यहाँ पे आया नहीं है, मतलब एक कोना से दूसरा कोना पूरा एक सीधा रेखा, तो वो विकर्ण हो गया। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो हो जाता है 4 और गुना भुजा,
मैंने अभी बताया कि सभी भुजा की लंबाई को अगर आप ऐड करोगे, जैसे ए है प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो 4a, ए क्या है भुजा की लंबाई, ठीक है भुजा की लंबाई, तो चार गुना भुजा मतलब चार गुना भुजा की जो लंबाई होगी उसमें चार से गुना करेंगे तो परिमाप पैरामीटर आ जाएगा किसका, वर्ग का यानी कि स्क्वायर का। और जब क्षेत्रफल की बात होगी, वर्ग का क्षेत्रफल हमको कैलकुलेट करना होगा, तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा। अब भुजा की लंबाई जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर गुना 5 मीटर तो बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी होगा वो स्क्वायर में होगा, ठीक है क्षेत्रफल जब भी होगा वो स्क्वायर में होगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास विकर्ण, विकर्ण वर्ग का विकर्ण अगर कैलकुलेट करना हो, ये वाला अगर लाइन कैलकुलेट करना हो, ये वाला मतलब बी और डी को जो मिलाएगी लाइन या ए और सी को जो मिलाएगी लाइन, सीधा सीधा अभी सीधा नहीं बन रहा है मेरे से, तो सीधा सीधा लाइन, तो वो क्या हो जाएगा रूट टू को गुना कर देंगे भुजा की लंबाई से। रूट टू को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब रूट टू गुना भुजा, विकर्ण अगर कैलकुलेट करना रहे तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है वर्ग के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या, आमने सामने की भुजा जो है, आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर, ठीक है और बराबर भी, समांतर और बराबर भी, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। आयत में जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये आयत बन जाएगा, तो आयत बन जाएगा तो ये 90 डिग्री का भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस तरह से होता है आमने आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। तो अगर ऐसा चतुर्भुज रहे उसका अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना रहे कि उसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला है आधार गुना ऊंचाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है। आधार गुना ऊंचाई, तो अभी यहाँ पे देखिए ये आधार हो गया, डीसी आधार हो गया, तो ये आधार हो गया, ऊंचाई क्या होगा, तो डीसी अगर आधार लिए है, ध्यान से सुनिएगा, डीसी अगर आधार लिए है, डीसी अगर आधार है हमारा, तो ये इसके, ये किसके समांतर है, ए बी के, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी, बीच की जो दूरी होगी वही है हाइट, उसी को ऊंचाई कहते हैं। अगर ये आधार है तो इस पे लंब बनाइए 90 डिग्री कोण बनाते हुए, मतलब सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो दूसरे जो समांतर, इसका जो पेयर है जो समांतर भुजा है, उस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही है हाइट, और आधार हो गया डीसी, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए यही, मान लीजिए ए बी सी डी, इसी समांतर चतुर्भुज को अगर हम ऐसे सीधा खड़ा करके, अगर ऐसे उल्टा दे, इस तरह से खड़ा कर ले जिस तरह से यहाँ पे किया गया है, इस तरह से अगर हम इसको खड़ा करें, तब देखिए आधार अगर हमारा बी सी है, ध्यान से देखिए, अगर आधार हमारा ये है बी सी, बी सी अगर हमारा आधार है तो हाइट क्या हो जाएगा, ए डी और बी सी के बीच की जो दूरी है यहाँ पर अगर लंब खींचेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तब हम बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे एच के साथ, ठीक है एच ये हो जाएगा। तो आधार के अनुसार आपको ऊंचाई लेना है, आधार पे लंब खींचेंगे, जैसे यहाँ पे पहले से दिया गया था, ये ऊपर वाले में देखिए पहले से दिया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ये, तो ऊंचाई और आधार दिया रहेगा तो आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे किस में, समांतर चतुर्भुज में। अब नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखिए चारों भुजाएं बराबर, ठीक है चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, और दो विकर्ण होते हैं इसमें, दो विकर्ण, एक हो गया बी डी और दूसरा हो गया ए सी, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, चारों भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ये दोनों समांतर और ये दोनों भी मतलब समांतर, आमने सामने की भुजा समांतर, ये समांतर इसके और ये ए बी समांतर डी सी के, ए डी समांतर बी सी के, आमने सामने की भुजा समांतर बराबर, चार कोण 90 डिग्री का नहीं होता, 90 डिग्री होगा तो ये वर्ग बन जाएगा, 90 डिग्री नहीं होता, दो विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल जब कैलकुलेट करना रहे तो 1/2, रुकिए कलर दूसरा ले लेते हैं, इसको छोड़िए, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विकर्णों के गुणनफल से, मान लीजिए पहला विकर्ण डी1 दूसरा विकर्ण डी2, तो ये हो जाएगा
एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। इसमें विकर्ण की लंबाई चाहिए जब आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो जब भी आपसे पूछेगा तो विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा, जो पहला विकर्ण इतना है 6 मीटर है, दूसरा विकर्ण 8 मीटर है, एरिया कैलकुलेट करिए। तो 6 मीटर 8 मीटर है अगर दिया हुआ, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे 6 मीटर गुना 8 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 गुना 6 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, तो 24 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया अगर विकर्ण की लंबाई दिया गया है 6 मीटर और 8 मीटर, ठीक है, तब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारा, ये आखिरी है आज के वीडियो का, यह है समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजॉइड मतलब समलंब चतुर्भुज। इसमें होता है क्या है, देखिए चतुर्भुज में चार भुजा, कितने भुजा, चतुर्भुज में चार भुजा, तो चार भुजा में दो भुजा तो समांतर होते हैं, चार भुजा में दो भुजा जो होते हैं वो समांतर होते हैं, और दो भुजा जो होते हैं वो समांतर नहीं होते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि चार चतुर्भुज में तो चार भुजाएं, तो समलंब चतुर्भुज में भी चार भुजाएं, तो दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर। अब देखिए एडी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और बीसी को आगे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कट करेगा, तो ये तो समांतर नहीं हुआ, असमांतर हुआ। लेकिन एबी को अगर हम बढ़ाते हैं और डीसी को बढ़ाते हैं तो ये रेल के पटरी की तरह बराबर दूरी पर आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, बराबर दूरी पर आगे बढ़ते जाएगा। तो एबी समांतर हो गया किसके, डीसी के, लेकिन एडी समांतर नहीं है बीसी के, तो एक समांतर वाला जोड़ा हो गया, एक बिना समांतर वाला, मतलब एक ऐसा है जो समांतर नहीं है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो इसमें देखिए, इसमें भी देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो जैसे यहाँ पे देखिए ए बी और डी सी समांतर है, मान लीजिए ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, तो यहाँ पे समांतर भुजा का योग तो 6 + 8 = 14 मीटर और गुना लास्ट में ऊंचाई से करना है। तो ऊंचाई मतलब देखिए दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजा पर आप लंब खींचिए, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए, मतलब ये हाइट वाला, मतलब दोनों के बीच की दूरी, समझिए बात को, यहाँ पर अगर लंब खींचेंगे तो वही दूरी होगा और उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी ऊंचाई। तो 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई अगर करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप का क्या है, चारों भुजा अगर पता होगा तो चारों भुजा को ऐड करेंगे तो परिमाप निकलेगा, किसी भी आकृति में, त्रिभुज है तो 3 भुजा का योग करेंगे तो परिमाप निकलेगा, चतुर्भुज है तो 4 भुजा का योग करेंगे तो परिमाप निकलेगा, पंचभुज है तो 5 भुजा को ऐड करेंगे तो परिमाप निकलेगा। इसलिए परिमाप के लिए कोई लोड नहीं है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, इससे हमारा बड़ा हेल्प हो जाता है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय।